नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की एफिकेंसी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो है तो हैदराबाद की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। यहाँ पर जो है दोस्तों असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, सो पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताऊँगी दोस्तों। सो बने रहिए आप वीडियो की आखिरी तक। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर गाइस जो आई हुई है जनरल में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आई हुई है, जिसमें दोस्तों टोटल 8 पोस्ट रखी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो है तो 10+2 आपसे जो है तो मांगा हुआ है। यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में एंड यहाँ पर जो है तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपसे जो है तो टाइपिंग मांगा हुआ है। एज लिमिट की बात करूँ दोस्तों तो 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर गाइस नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, जिसमें टोटल 5 पोस्ट रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 रखी गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10+2 आपसे जो है तो मांगा हुआ है। यहाँ पर गाइस जो है तो आपसे कंप्यूटर टाइपिंग मांगी हुई है। एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यस एंड पी में आई हुई है, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। अगर मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ 10+2 आपसे जो है तो मांगा हुआ है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर सैलरी की बात करूँ दोस्तों तो 29,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस जो है तो एचआरए आपको मिल जाएगा, अदर बेनिफिट्स भी जो आपको जो है तो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, यहाँ पर आपको डीए मिल जाएगा, डियरनेस अलाउंस, यहाँ पर जो है तो एचआरए आपको मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर जो है तो मिल जाएगा यानी टीए। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 29,000 प्लस आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस जो है तो अब मैं बात करूँगी आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो चलिए देख लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो है तो सीबीटी एग्जाम लिए जाएंगे, मोटर बेसिस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर मीडियम की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यहाँ पर जो है तो अवेलेबल हैं, दोनों यहाँ पर मीडियम रखे गए हैं। यहाँ पर जो है तो एग्ज़ाम किस लेवल का होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th क्लास का यहाँ पर जो है तो होने वाला है। यहाँ पर टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करो 200 रहने वाला है एंड यहाँ पर जो है तो आपके पास टोटल टाइम 2 आवर्स 30 मिनट्स रहेंगे। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेपर्स होने वाले हैं। पेपर 1 की बात करूँ दोस्तों तो आपके पास यहाँ पर टाइमिंग 90 मिनट रहने वाला है एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पर जो है तो मैक्सिमम मार्क्स 200 के रहेंगे एंड टोटल यहाँ पर जो है तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 1 क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर गाइस जो है तो बता दूँ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है तो नहीं रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँगी पेपर 2 की दोस्तों, तो यहाँ पर जो है तो पेपर 2 में 1 आवर्स आपके पास टाइमिंग रहने वाला है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंट के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड इंटेलिजेंट लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहने, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो 150 यहाँ पर दोनों में मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं। यहाँ पर गाइस जो है तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है तो रखी गई है। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गाइस जो है तो आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना, ऑनलाइन के थ्रू आपको फॉर्म को फिलअप करना है, इसकी वेबसाइट दी गई है। सो आप यहाँ पर जाकर जो है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दोस्तों पहले बात कर लेती हूँ अप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा देती हूँ अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जो है तो 100 रुपये रखा गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर जो है तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो रखी गई है 9/7/2021 रखी गई है एंड फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो रखी गई है वो है 8/8/2021, जो दोस्तों यहाँ पर जो है तो बेंगलोर से कैंडिडेट यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं उनके लिए, सॉरी दोस्तों हैदराबाद से, उनके लिए जो है तो 23/8/2021 तक जो है तो ऑफ
वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है गाइस, आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप करेगा। यहाँ पर दोस्तों दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो है तो हर एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है तो 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। सो दोस्तों इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारे डिस्कस कर ली हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो दोस्तों बने रहिए आप इसी तरह हमारे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।